नमस्कार दोस्तों, निर्भय पोस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज पंजाब पंचायत चुनावों के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिससे पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए विशेष रूप से 15 अक्टूबर में आयोजित करने की घोषणा की गई है। उनके नामांकन को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है और पंजाब की जनता सड़कों पर उतर आई है। बड़ी संख्या में नामांकन रद्द होने पर लोगों ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इन चुनावों में 13,000 से अधिक पंचायतें भाग ले रही हैं, इसलिए बड़ी संख्या में नामांकन रद्द होने एक बड़ी बात है। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। पंजाब में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध उन पंचायत पर लागू होगी जिन्होंने माननीय उच्च अदालत में अर्जी दायर की हुई है, जहां एक तरफ विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज पंजाब के 200 से अधिक गांवों में पंचायत चुनाव रोकने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक और तत्काल हस्तक्षेप बताया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को राहत भरा बताया। आप नेता नील गर्ग का कहना है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ कुछ पंचायतों को लेकर ही फैसला सुनाया है, यह एक राहत भरी खबर है। बता दें कि चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 275 गांवों के लिए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं और उल्लंघनों का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के दायर होने के बाद यह फैसला आया। जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच ने पंजाब सरकार से तत्काल जवाब मांगा है। अदालत का सुझाव है कि अधिक कुशल और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अधिसूचना को वापस लेने की आवश्यकता हो सकती है। यह 1337 ग्राम पंचायतों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करता है, जिन्हें 5 साल के अंतराल के बाद मतदान करना था। इनमें से कई पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो गया था, जो स्थिति की जटिलता को बढ़ाता है। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस रोक का उद्देश्य उठाई गई चिंताओं को दूर करना और व्यवस्था में विश्वास बहाल करना है। और भी बहुत कुछ है। राज्य चुनाव आयोग ने जगतपुरा के लिए भी चुनाव प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। हालांकि कारणों को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, यह वर्तमान परिदृश्य में जटिलता की एक और परत है। अकाली दल के सीनियर नेता एन.के. शर्मा ने भी माननीय हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पावर का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने अनेक अधिकारियों को भी अपने निशाने पर लिया। इसके अलावा सीनियर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह ढिल्लो ने भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की। कुल मिलाकर बात कर तो पंजाब की राजनीति में एक नया तूफान आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। अधिक समाचारों और जानकारियों के लिए निर्भय पोस्ट पे बने रहना सुनिश्चित करें। अपडेट रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और सूचित रहें। सर, जो रूलिंग रिजीम थी, उन्होंने काफी धक्का किया था। लोगों को नॉमिनेशंस फाइल नहीं करने दिए, लोगों की रिटर्निंग ऑफिसर्स ने नॉमिनेशन पेपर्स को फाड़ दिया एंड कई जगह लोगों के फोर्ज सिग्नेचर्स करके नॉमिनेशन विड्रॉ कर ली गई। आफ्टर गोइंग थ्रू एवरीथिंग, हाईकोर्ट ने जितने भी पिटिशंस उनके पास आज लिस्टेड थी, सब में स्टे का ऑर्डर किया है। हम सबको साइनॉप्सिस देने के लिए कहा है एंड एलिगेशंस काफी गंभीर हैं। और हाईकोर्ट ने कई पिटिशंस में तो ये कल भी ऑब्जर्व किया था कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। काफी लोगों को मारपीट की गई है,
लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ही फाड़ दिए एंड लोगों को जिनके एक्सेप्ट कर लिए गए थे नॉमिनेशंस उनके दोबारा रिवाइज करके भी नॉमिनेशंस रिजेक्ट कर दिए गए। ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में जहां रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा रिवाइज कर सकता है कोई भी एक लिस्ट को। बट ये सब कुछ देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज सब पे स्टे लगा दी है। कब तक के लिए स्टे लगाया गया है, कब तक की डेट पड़ी है इसमें? ये अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएंगे जी, उसके बाद ही पता लगेगा। पिछले कुछ दिनों तो साड़ी विरोधी पार्टियां भावे हो अकाली दल होवे जा कांग्रेस होवे लगातार यह कोशिश कर रही ने कि आम आदमी पार्टी की सरकार नू बदनाम किया जाए ते जिहड़ी पंचायतों की चोण की प्रक्रिया शुरू हुई हुई है उस नू रोकिया जाए। पर अज मानयोग हाई कोर्ट ने वड्डी राहत पंजाब सरकार नू दिती है और उसने पूरी चोण प्रक्रिया ते रोक लाने की बजाय सिर्फ उन्हां थावां दे उत्ते रोक लगाई हैगी है जिथों दीआं कंप्लेंट्स हाई कोर्ट दे विच आईआं ने। सारे जानते हैं कि पंजाब दे विच 13,237 पंचायतां चुनिया जा रही ने, सिर्फ 250 दे उत्ते रोक लाई है। इहदा मतलब यह होया कि मानयोग हाई कोर्ट भी मनदी है कि पंजाब दे विच जिहड़ी यह चुनावी प्रक्रिया है यह बिल्कुल ठीक है, इहदे विच कोई गड़बड़ नहीं हैगी है। असी यह भी देखिया पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ियां साडी विरोधी पार्टियां ने ओह प्रशासन नूं किस तरीके नाल डराउण दी कोशिश कर रही ने। वड्डे वड्डे लीडर चुने हुए नुमाइंदे डिप्टी कमिश्नर दे दफ्तर दे विच बैठ के उन्हां नूं प्रेशर करन दी कोशिश कर रहे ने। कदे कांग्रेस दे पंजाब दे प्रधान लाइव वीडियो पा के जिहड़ा ओह अफसरां नूं धमका रहे ने तां कि जिहड़ा है प्रशासन नूं डरा के धमका के इन्हां चोणां दे विच विघन पाया जावे। इह धक्केशाही दी गल कर रहे हैं, धक्का ते आम आदमी पार्टी दे नाल हो रहा है। साडे एक सरपंची दे उम्मीदवार नूं जिहड़ी गोली मारती जांदी है, साडे एक जिहड़ा हैगा होनहार नौजवान साथी नूं उहदा कतल हो जांदा हैगा। सो आम आदमी पार्टी इस दे विच किसे तरह दा धक्का नहीं करदी, जे धक्का कर रही है तां विरोधी पार्टियां कर रही ने और उन्हां दा लोकतंत्र दे विच लगदा जिवें कोई विश्वास जिहड़ा उह नहीं हैगा। और जिथों तक यह 250 जिहड़ियां पंचायतां जिथों की कंप्लेंट आई हैगी हाई कोर्ट दे विच, मानयोग हाई कोर्ट ने कोई अंतम फैसला नहीं दिता आ, उहदे विच भी 14 अक्तूबर नूं सुनवाई होनी है और उस सुनवाई दे विच जिहड़ा हैगा जिथे जिन्हां उम्मीदवारां ने कंप्लेंट कीती है वह अपने वकील दे थ्रू अपना पक्ष रखणगे, उत्थे पंजाब सरकार भी एडवोकेट जनरल दे थ्रू अपना पक्ष रखेगी। यह मानयोग हाई कोर्ट देखेगी जे किसी का पेपर रद्द होया वह सही होया जां गलत होया। सो आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही लोकतंत्र दीआं कदरां कीमतां दे विच विश्वास कीता। जे असीं किसी नाल धक्का ही करना हुंदा, पंजाब दे विच 13,237 पंचायतां चुनियां ने, सरपंच चुनने ने ते अज वी नामजदगियां वापस लैण तों बाद 49,000 दे आस पास उम्मीदवार ने, फिर असीं उहनां दे पेपर ना रद्द कर दे। अज 3,700 तों वध पंचायतां पंजाब दे विच जिहड़ियां ने उह सर्वसंमति दे नाल चुनियां जा चुकियां ने। मानसा भी यह चाहते हैं कि पंजाब दे विच जिहड़ियां पंचायतां ने वो पिंड दीआं पंचायतां होनी चाहीदियां, किसी सियासी धिर दीआं पंचायतां नहीं होनी चाहीदियां, तां कि पिंड दे विच सर्वपक्षी विकास हो सके, पंजाब दा जिहड़ा माहौल जिहड़ा हैगा वह ठीक हो रहे। अज बड़ी खुशी की गल है कि मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत ही इतिहासिक फैसला, मैं समझदा कि पंजाब दे इतिहास च करिया कि आम आदमी पार्टी ने गुंडागर्दी करके आम आदमी पार्टी ने धक्के दे नाल बहुत सारे गरीब लोगों नूं बहुत सारे पिंडां नूं अपनी मर्जी दे जिहड़े सरपंच चुनन दे अधिकारां तों वांझे कर दिया, तां खो लिया था उन्होंने अपनी साजिश राहीं। और खास तौर ते अफसरां ने आम आदमी पार्टी दे विधायकां दी गुलामी करदे होए या बहुत सारे अफसरां ने पैसे लेके कागज जिहड़े ओह कैंसल कर देते, कुछ ने पास होए कागजां ते चोण निशान नहीं मिले ते पंचां सरपंचां नूं चोण लड़न दा मौका जिहड़ा खत्म कर दिया था। अज मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे जज साहब ने तुसीं देखो भी 225 पंचायतां दे इलैक्शनां ते स्टे ला दी। और बड़ी खुशी नाल दसना पै रहा कि जिहड़े जिहड़े इन्हां च ज्यादा केसां दी पैरवाई ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ
तैयार करने च रजेश जी ने मदद करी, एडवोकेट अमरजीत जी जिन्होंने नोट्स देने च मदद करी, और सब तो बड़ा धन्नवाद एडवोकेट मनप्रीत जी का जिन्हें हाई कोर्ट च यह जंग लड़ी, और जिन्हें मेरे को आए मैं SDM साहब नूं भी अप्रोच करी, DC साहब नूं भी अप्रोच करी, और जदों सारयां ने माई गई नहीं दई इलैक्शन कमीशन नूं भी अप्रोच करी, पर अफसोस की गल आ भी सारे अफसर डिफंक्ट हो गए, किसी ने मदद नहीं करी, और हाई कोर्ट का बूहा खड़काना पिया, और तकरीबन 20 रिटां जिहड़ियां मैं फाइल करी दियां, 20 दी 20 स्टे हो गई, सो ज्यादा समा लग जूगा।